इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच की रेस जारी है। बीसीसीआई एक्टिवली नया कोच सर्च कर रही है क्योंकि राहुल द्रविड़ टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद हेड कोच पोजीशन से स्टेप डाउन करने वाले हैं। कौन से नाम सामने आ रहे हैं और उनमें से किसके बनने के चांसेस नहीं है, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाय, मैं हूं मानसी और आप देख रहे हैं क्रिक स्कूप। As the BCCI gears up for the transition, बहुत सारे high profile names surfer कर रहे हैं head coach के potential candidate के लिए। The speculations include former Indian opener and KKR के mentor Gautam Gambhir, former New Zealand captain and CSK के head coach Stephen Fleming। इनके अलावा एक और legendary खिलाड़ी का नाम उभर कर सामने आ रहा है, but वो eligible नहीं है इस role के लिए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वो प्लेयर कौन से हैं, अगर आपको भी मेरी तरह क्रिकेट में हद से ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपको भी क्रिकेट का असली ज्ञान चाहिए, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सही जगह पे हैं। इसलिए देर ना करते हुए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर ले, और हाँ, जब इतना सब कुछ कर ही दिया है तो फिर लाइक भी कर दे। अब बढ़ते हैं उस नाम की तरफ। मैं बात कर रही हूँ फैंस फेवरेट एंड इंडियन क्रिकेट के आइकॉनिक फिगर MS धोनी की। His unparalleled success as a captain, जिसमें उन्होंने इंडिया को बहुत सारी ट्रॉफीज जितवाई हैं, including 2007 T20 World Cup, 2010 and 2016 Asia Cups, 2011 World Cup and 2013 Champions Trophy. इसके अलावा इनकी deep understanding for the game और उनकी ability to remain calm under pressure, इन दो qualities के लिए उन्हें काफी praise भी किया जाता है by other players and fans. But despite of immense support from the fans, धोनी फिर भी एलिजिबल नहीं है इंडियन टीम के हेड कोच बनने के लिए। अब आप पूछेंगे रीजन, और जाहिर भी है पूछना, क्योंकि भाई सारी क्वालिटीज तो है ही हमारे थाला में। तो मैं आपको बता दूं, जो बीसीसीआई के क्राइटेरियाज हैं हेड कोच बनने के लिए, उनमें से एक क्राइटेरिया में धोनी फिट इन नहीं कर पा रहे, और वो क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट को क्रिकेट के हर फॉर्मेट से रिटायर्ड होना चाहिए। ऑल्दो धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था 2020 में, बट स्टिल वो IPL में CSK की टीम की तरफ से अभी भी खेलते हैं, और उनके IPL में पार्टिसिपेशन की वजह से वो डिस्क्वालिफाई हो जा रहे हैं हेड कोच की पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए। मैं तो चाहूंगी कि धोनी ही हेड कोच बने, बट इसके लिए मैं ये नहीं चाहूंगी कि वो IPL खेलना छोड़ दे। अब आप क्या चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आगे भी ऐसे ही क्रिक स्कूप की वीडियोस बनाती रहूंगी, इसलिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।